के निशान, उसके बाद अगर कोई कहीं भी से भी व्यक्ति आया था, पहले बगरन जाएगा, वो बगरन जाके बगरन से निशान उठाएगा, फिर मनवा धाम पे चढ़ाएगा। अच्छा, बहुत जरूरी है, आलोचक ही हमारे लिए सतर्क रखते हैं, आलोचक अगर आलोचक नहीं होंगे तो हम भी अहंकार में आ जाएंगे, हम भी घमंड में आ जाएंगे, हम जो चाहेंगे वो करना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए बहुत खूबसूरती से बनना है ये, और बहुत ये यहाँ से ही भाव प्रकट होना शुरू होते हैं। अब यहाँ से लोग दंडवत लगाते हैं, यही जगह है जहाँ से लोग दंडवत लगाते हैं। तो अगर बहुत से भक्त हैं, बहुत सारे भक्त बिजी हैं, बहुत रास्ते से भी निकल के जा रहे हैं और तोरण द्वार को भी टच करके चले गए, तभी बाबा की कृपा होगी, पूरी होगी यहाँ पर भी बाबा की कृपा। सभी पत्रकारों को नमस्कार, मेरे सामने मनोरो धाम के अध्यक्ष ओमिंदर जी महाराज जी हैं और वो तोरण द्वार बनना है। मैं उनसे पूछना है, कुछ क्वेश्चन करूंगा, उनके वो जवाब देंगे। जी मैन जी, अमर प्रभात अखबार में आपका स्वागत है। ये जो तोरण द्वार बनना है, ये किस लिए बनना है? तोरण द्वार कोई भी द्वार जो होता है वो किसी भी भूमि का या किसी भी धाम का तरीके से नाक होती है, तो इसीलिए बहुत खूबसूरती से बनना है ये, और बहुत ये यहाँ से ही भाव प्रकट होना शुरू होते हैं। अब यहाँ से लोग दंडवत लगाते हैं, यही जगह है जहाँ से लोग दंडवत लगाते हैं। तो अगर बहुत से भक्त हैं, बहुत सारे भक्त बिजी हैं, बहुत रास्ते से भी निकल के जा रहे हैं और तोरण द्वार को भी टच करके चले गए, तभी बाबा की कृपा होगी, पूरी होगी यहाँ पर भी बाबा की कृपा पूरी बस से। जी ये तो श्याम प्यारे की जे आपका मेन तोरण द्वार रिंगस बनाने का आपका कहाँ लक्ष्य है? रिंगस जैसे रिंगस से लोग बाबा का निशान उठाए, तो आपका क्या लक्ष्य आगे का? उसके लिए हमने दो जगह चुनी है, एक तो हमारा जो उधर से लोग जो आएंगे पुराना मंदिर वहाँ रहेगा, और बाकी जो मेन हमारा रहेगा वो रहेगा बगरैन, बगरैन में रहेगा। बगरैन में बाकायदा वहाँ दुकानें भी होंगी जहाँ से लोग निशान खरीद सकते हैं, और वहाँ एक हॉल बनवाएंगे हम पूरा, जिस हॉल में पूजन हो के निशान, उसके बाद अगर कोई कहीं भी से भी व्यक्ति आया था, पहले बगरैन जाएगा, वो बगरैन जाके बगरैन से निशान उठाएगा, फिर मनवा धाम पे चढ़ाएगा। अच्छा, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? चूंकि अगर राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे अपनी पार्टी के, और आपने एक लग्जरी जीत ली, और आपने अब अपना पूरा जीवन एक प्रकार से श्याम भक्तों को दे दिया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, वो भी उस समय भी जो भी था, किसी राजनीतिक पार्टी में कभी भी हमने कोई ज्वाइन नहीं किया है, कभी भी किसी प्राथमिक सदस्य भी नहीं किसी भी पार्टी के कभी भी, और पहले भी हमने संगठन समाज के लिए ही चलाया था, समाज के लिए काम कर रहे थे, और आज तो पूरा जीवन जो है वो हम चाहते हैं कि बाबा के चरणों में हमारा रहे, और बाबा इतनी कृपा बरसा रहे हैं लोगों पे, इतना लोगों का फायदा हो रहा है, लोग इतने हाथ से ठीक होके जा रहे हैं, तो हमारे लिए इससे खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। अच्छा, आखिरी सवाल ये है, मैंने फेसबुक पे बहुत देखा है कि आपने मनोना का धाम, पहले मनोने को हलवा से जाना जाता था, अब पूरे बड़ में जाना जाता है, लेकिन कुछ लोग फेसबुक पे इनके बारे में, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो फेसबुक गलत देख रहे हैं? जिसकी जितनी बुद्धि होती है उतना काम करेगा वो, और ऐसे लोग भी होना बहुत जरूरी है, आलोचक होना भी बहुत जरूरी है, आलोचक ही हमारे लिए सतर्क रखते हैं, आलोचक अगर आलोचक नहीं होंगे तो हम भी अहंकार में आ जाएंगे, हम भी घमंड में आ जाएंगे, हम जो चाहेंगे वो करना शुरू कर देंगे। आलोचकों को ध्यान में रखे हम बहुत संभल के चलते हैं और बहुत मजबूती से चलते हैं, और अपनी जो गति है बहुत तेज बढ़ा देते हैं, और वो गति तेज बढ़ती है तभी बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं और धाम कितने पूरी दुनिया में छा रहा है। जो भी श्याम प्रेमी हमारे चैनल पर नए हैं, उनसे निवेदन करना चाहूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि सभी अपडेट आपको मिलते रहें सबसे पहले। तो आज का अपडेट है बाबा का तोरण द्वार। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, बिल्कुल बाबा के तोरण द्वार की आधारशिला रखी जा चुकी है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये लाइव तस्वीरें अपने सनातन शक्ति साम्राज्य के माध्यम से। आइए, मैं आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये बाबा का तोरण द्वार, बाबा श्याम का तोरण द्वार कि आधारशिला रखी जा चुकी है। इधर काम चल रहा है, इस साइड में आपको दिखाना चाहूँगा, बाबा श्याम के तोरण द्वार की आधारशिला रखी जा चुकी है, और ये करोड़ों भक्तों के सहयोग से संभव हुआ है। जो बाबा के तोरण द्वार का कार्य, निर्माण कार्य बड़ी तेज़ी से चल रहा है, बाबा के धाम का कार्य बड़ी तेज़ी से चल रहा है। ये लाइव अपडेट, ये लाइव सरप्राइज मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाबा के दरबार में जो भी निर्माण कार्य है बहुत ही तेज़ी से चल रहा है, हजारों लाखों भक्तों के सहयोग से निर्माण कार्य बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। ये करोड़ों भक्तों की इच्छा थी बाबा का तोरण द्वार बहुत जल्दी बने, और करोड़ों भक्तों के सहयोग से बाबा का तोरण द्वार बहुत तेज़ी से निर्माण कार्य चल रहा है, और किस्मत वाले हैं वो लोग जिनके नाम की ईंट बाबा के तोरण द्वार में लग रही है, बाबा श्याम के तोरण द्वार में लग रही है, बाबा के धाम में लग रही है, किस्मत वाले हैं वो लोग। आइए एक बार ये मिस्त्री भैया से बात करते हैं, कैसा लग रहा है इन्हें तोरण द्वार बनाते हुए। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम भैया, कैसा लग रहा है तोरण द्वार बनाते हुए? बहुत अच्छा, हमारी बाबा श्याम की कृपा है, बाबा श्याम की बहुत कृपा है हमारे ऊपर, यहाँ काम करते हैं जो समझो डेली हर काम में हम बाबा श्याम के ऊपर जो सोचा था वो हमारा मनोकामना पूरी हो रही है। अरे क्या बात है, मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं बाबा श्याम आपकी? बाबा श्याम हमारी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, बोलिए जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, बोलिए मनोना धाम के जय।
तो बने रहिए सनातन शक्ति साम्राज्य के साथ। और हम आगे चलते हैं बाबा के धाम पर, बाबा श्याम के धाम पर, और आज आपको पूरा अपडेट देते हैं बाबा श्याम का धाम आज कैसा दिखता है, किस तरह से निर्माण कार्य चल रहा है। बने रहिए इसी तरह, हम चलते हैं बाबा के धाम पर। तो अब हम पहुंच गए हैं मनोना धाम, और आज मैं आपको पूरा अपडेट देने वाला हूं कैसा दिखता है हमारा मनोना धाम अब, और किस तरह से कार्य चल रहा है, कहां तक पहुंचा है, ये पूरा अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। बने रहिए सनातन शक्ति साम्राज्य के साथ, आइए दिखाते हैं आपको आज का पूरा अपडेट। आज मनोना धाम में दुनिया भर के भक्त पूर्ण विश्वास रखते हैं और लाखों हजारों श्रद्धालु बाबा श्याम का दिव्य धाम बनाने में अपना सहयोग कर रहे हैं। तो आज उन भक्तों को मैं पूरे धाम का अपडेट दे रहा हूं जो दूर दराज क्षेत्रों से आकर बाबा श्याम के इस पवित्र धाम में सहयोग कर रहे हैं अथवा करके गए हैं, क्योंकि उनकी भी लालसा होती होगी कि अब कैसा होगा बाबा श्याम का धाम, अब कैसा दिखता होगा श्याम प्यारे का धाम, अब कितना बन गया होगा श्री श्याम प्यारे का पवित्र धाम। और अगर ऐसे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं जो बाबा श्याम के दरबार में अपना सहयोग देकर गए हैं, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और जो श्याम प्रेमी नए जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि हमारी सभी वीडियो मिलती रहें आपको सबसे पहले। आज हमारा भी सौभाग्य है कि हम आपको बाबा श्याम के चमत्कारी मनोना धाम के लाइव अपडेट लगातार दे पा रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे साथ बाबा श्याम का दिव्य धाम अपने दिव्य रूप में जल्द ही तैयार होने वाला है। आप देख सकते हो पूरा दृश्य हमारे साथ, ग्राउंड फ्लोर बनकर तैयार है, फर्स्ट फ्लोर भी बन चुका है, फर्स्ट फ्लोर के छत की तैयारियां हो चुकी हैं। जल्द ही बाबा के धाम का शिखर बनने लगेगा। लगातार पूरे धाम में जोरों से कार्य चल रहा है और हजारों भक्त बढ़ चढ़कर अपना सहयोग दे रहे हैं। और किस्मत वाले हैं वो लोग जिन्हें बाबा ने इस लायक बनाया है कि उनके नाम की ईंटें श्री श्याम प्यारे के दरबार को सजो रही हैं। ये भी बाबा की कृपा है जो बाबा आपके इस भोग को स्वीकार कर रहा है और आपको सहयोग करने का अवसर दे रहा है। मनोना धाम दुनिया का चमत्कारी धाम बन चुका है। यहाँ रोजाना हजारों चमत्कार होते हैं। यहाँ लोग रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। इस पवित्र धाम को मेरा कोटि कोटि नमन और बाबा श्याम का लाख लाख धन्यवाद करता हूँ जो हमारे मनोना गांव को मनोना धाम बना दिया और यहाँ स्वयं ब्रजमान हो गए और दीन दुखियों के सहारे बन गए। बाबा हारे का सहारा है। ये मनोना धाम में ब्राजमान होकर भक्तों के साथ चमत्कार करके सिद्ध कर दिया है कि बाबा हारे का सहारा है, जिसका कोई नहीं उसका श्याम प्यारा है। इतना ही नहीं, यहाँ भक्तों के लिए भी मनोना धाम की तरफ से पूर्ण प्रयास है कि भक्तों के लिए सभी सुविधाएं दी जाएं। आप अभी जो ये बिल्डिंग देख रहे हो इसमें भक्तों के लिए शौचालय व वॉशरूम का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि भक्तों को आज जो असुविधाएँ हैं वो सब खत्म हो जाएँ और यहाँ भक्त अपना घर जैसा फील करें, एकदम सुकून शांति महसूस करें। सारी सुविधाएं भक्तों को दी जाएं, इस तरह से मनोना धाम पूरा प्रयासरत है और बाबा श्याम का यह पूर्ण चमत्कार है। और मनोना धाम में भक्तों का पूर्ण विश्वास बना हुआ है, भक्तों का यहाँ श्रद्धा भाव बना हुआ है। इसी के साथ साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।